आयत नंबर 90 और आयत नंबर 90 पर एक, ये बेहतरीन आयत करीमा है कुरानी मजीद की। वो आयत करीमा है जो इंसान को शराब से मना करती है, जो ये बताती है कि शराब हराम है हमारे दीन के अंदर, ये बताती है कि नशे की चीजें हमारे दीन के अंदर हराम है, जुआ हमारे दीन के अंदर हराम है, सुभान अल्लाह, बदफाली लेना हमारे दीन के अंदर, किसी को बुरा समझना, बदफाली के तीर निकालना, तोते से हमारी किस्मत को मालूम करना हमारे दीन के अंदर हराम है, जुआ, बदफाली और आस्थाने, स्टैचूस जो बनाए जाते हैं, आस्थाने जहां पर लोग कुर्बानियां करते हैं, वो हमारे दीन के अंदर हराम है। और सबको मिलाकर इस एक आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने एक लफ्ज कहा है, रिज्स है, वो गंदे हैं, ये तमाम के तमाम चीज गंदे हैं। दूसरा लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला का है, अमलु शैतान है, ये शैतान का अमल है ये। और अल्लाह ने हमसे कहा है, फजतनीबू, बच जाओ इन चीजों से, बचोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आयत में पढ़ता हूं आपके सामने, तर्जमा आपके सामने मैं करता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फजतनीबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। बेशक शराब, सुबहान अल्लाह, बेशक शराब, मैसर, जुआ, अंसाब, आस्थाने, वल अजलाम और फाल, बदफाली के तीर, रिज्स मिन अमल शैतान, ये गंदे हैं, शैतान का अमल है, तुम इससे बच जाओ। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरीदु शैतान, बेशक शैतान ये चाहता है, अन युक़िअ बैनकुम अलअदावत वल बग़्ज़ा, तुम्हारे बीच में दुश्मनी को और बुग्ज को डालें, आपस में कीना कपट को डालें, शराब के जरिए से, जुवे के जरिए से, और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक दें, व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, और नमाज से रोक दें। फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बच जाओगे, क्या तुम रुक जाओगे, क्या तुम रुकोगे? ये सवाल अल्लाह तबारक व तआला का है, हर मुसलमान से ये सवाल है, हर नशे के एडिट इंसान से ये सवाल है, क्या तुम बस बहुत हो गया, अब रुक जाओगे? सहाबा इकराम ने इसका जो जवाब दिया, मैं तुम्हारे सामने वह जवाब पढ़ना मुनासिब समझता हूं। जैसे ही आयत करीमा नाजिल होती है और यह लफ्ज कहा गया, क्या तुम रुक जाते हो, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाही अलैहिम अजमाइन की ज़बाने मुबारक से लफ्ज निकला, इंतहैना, इंतहैना, अल्लाह तबारक व तआला, अब हम रुक गए हैं, अल्लाह अब हम रुक गए हैं। शराब के ताल्लुक से इससे पहले दो मरतबा तस्किरा आया है, 219 नंबर की आयत सूरह बकरा और 40 पर 3 नंबर की आयत सूरतुन्निसा, इन दोनों जगह पर भी शराब की ताल्लुक से दो आयतें आई हैं। इस अलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नस व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ्इहिमा व यसअलूनका मादा युन्फिकून, सुभान अल्लाह, कुल अल अफ कذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। शराब के ताल्लुक से ये आयतें अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले गुजरी हैं, लोग आपसे आकर सवाल करते हैं शराब के बारे में, उसके हुक्म के बारे में, आप कह दीजिए उसका नुकसान ज्यादा है, उसमें नफा कम है। पहली आयत ये नाजिल हुई, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब ये आयत पढ़े, उन्होंने कहा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने एक शाफी हुक्म तो नाजिल फरमाए, अल्लाह तआला एक ऐसा हुक्म जिसे पढ़ करके हम अमल कर सकें, इसलिए कि इसमें सही नहीं बताया गया था, इसमें यह नहीं बताया गया था पीना है, नहीं पीना है, छोड़ना है, हलाल, कुछ नहीं बताया गया था, इतना कहा गया इसमें नफा भी है और नुकसान भी है। हाँ, यह जरूर है कि इसका नुकसान नफे से ज्यादा है। फिर दूसरा हुक्म शराब का यह नाजिल होता है, 40 पर 3 नंबर की आयत सूरतुन्निसा में, एक सहाबी थे जो मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज शराब की हालत में नमाज उन्होंने पढ़ा दी, और नमाज पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कुल या अय्युहल काफिरून की जो सूरत है उसमें खलत मलत कर दिया, ला आबुदु मा तअबुदून, ये आगे आदमी नशे की हालत में, इसलिए कि हराम नहीं थी। आज आपको ये बहुत बड़ी बात लगेगी, बहुत बड़ी बात, उस जमाने में यह चीज हराम नहीं थी, नहीं आया था हुक्म साफ लफ्जों में। तो दूसरा हुक्म शराब का ये आया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ऐ अहले ईमान, नमाज के करीब मत जाओ इस हाल में कि तुम नशे में रहो, नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। दूसरा हुक्म आया, अब ये तीसरा और फाइनल हुक्म है, सुबहान अल्लाह, इसमें ये बताया गया है शराब है, ये गंदा गंदी चीज है, ये शैतान का अमल है, दुश्मनी पैदा करने वाला अमल है, अल्लाह के जिक्र से रोकने वाला अमल है, नमाज से रोकने वाला अमल है, ये उम्मुल खबाई से रुक जाओ, बस रुक जाओ, रुक जाओ। और सहाबा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह रुक गए, रुक गए, सुबहान अल्लाह। इसमें पहली चीज जो मुझे आप भाइयों के सामने पेश करनी है, ये एक हुक्म ऐसा है, और भी हैं कुछ, आज हमारे सामने एक हुक्म ऐसा है जिसमें तदरीजी हुक्म दिया गया है, तदरीजन, थोड़ा 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 करके समझाया गया है, थोड़ा थोड़ा करके समझाया गया है, इसलिए कि शराब की जो आदत थी उनकी घुट्टी में बैठी हुई थी,
सदियों से, सदियों से वो पी रहे थे। इस्लाम आने से पहले शराब उनके अंदर राइज था, शराब पीते थे, एकदम छुड़ाना उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए जरा जरा करके, जरा जरा करके उनको छुड़ाया गया है। इसमें हमारे लिए इबरत है, हमारे लिए सबक है। ऐसे बहुत सारे गुनाह लोगों के अंदर पाए जाते हैं जो एक साथ नहीं छुड़ाए जा सकते, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके उन्हें छुड़ाने की हम इंशाल्लाह कोशिश करें। दूसरी बात, शराब का जब हुक्म आया, अल्लाहू अकबर, और ये आखिरी हुक्म आया शराब के बारे में कि अब बस रुक जाइए, अब बस खत्म हो गया, जब ये आयत नाजिल हुई, सुभान अल्लाह, हदीस का जो लफ्ज आता है वो ये लफ्ज है, फनादा मुनादिन फी सिककिल मदीना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, जाओ भी ऐलान करो, अभी अल्लाह का हुक्म आ चुका है, नादा मुनादिन फी सिककिल मदीना, मदीने की गलियों में जाकर ऐलान करो कि शराब हराम हो गई है। एक सहाबी ने ऐलान किया, हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं, वो कहते हैं कि मेरे हाथ में प्याला था शराब का और शराब पी रहे थे अबू तलहा अंसारी, मैं उन्हें शराब डाल रहा था, उनके प्याले में शराब मौजूद है, मेरे हाथ में शराब है, मैं डाल रहा हूं, अभी तक हराम नहीं हुई है, ये जहन में रखिएगा, अब हराम हुई। एक सहाबी ने आकर ऐलान किया, नबी ने कहा ये आयत उतर गई है, पारा नंबर 7 की 90 नंबर की आयत, 90 पर 1 नंबर की आयत। अबू तलहा अंसारी ने कहा अनस से, जाकर बाहर देखो क्या ऐलान हो रहा है। अनस इब्ने मालिक गए बाहर और उन्होंने कहा सुभान अल्लाह कि शराब हराम हो गई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत उतार दी गई है, सुभान अल्लाह। अबू तलहा अंसारी ने यह नहीं कहा यह भी जो प्याले में है वो पी लेता हूं, उसके बाद से मैं कल से छोड़ देता हूं, ऐसे नहीं कहा, जो हाथ में थी बाहर लेकर गए और ऐसे ही झुका दी। इसीलिए कहते हैं कि शराब मदीने की गलियों में पानी की तरह बहने लगी, शराब मदीने की गलियों में पानी की तरह बहने लगी। एक सहाबी थे सुभान अल्लाह, जब वो मदीना छोड़कर गए थे, बाहर तिजारत के लिए गए थे, शराब हराम नहीं हुई थी, बड़ी मेहनत से उन्होंने एक पुरानी शराब, बड़ी कीमती शराब ढूंढी और उसे खरीद कर लेकर के आए, और आने के बाद नाफे बिन कैसान उनका नाम बताया जाता है, उन्होंने वो शराब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में पेश किया। कभी अल्लाह के नबी ने शराब नहीं पिया, सुभान अल्लाह, कभी नहीं पिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफे बिन कैसान से कहा या नाफे, तुम्हारे यहां से जाने के बाद शराब हराम हो गई है, अल्लाह अकबर। तो नाफे इब्ने कैसान ने अल्लाह के रसूल से फरमाया फअबीउहा अंतफिउ बिथमनिहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं इसे बेच दूं, कम से कम मैं नहीं पीऊंगा। देखो गौर से सुनो, जो चीज हराम है उसकी तिजारत भी हराम है, जो चीज हराम है उसकी तिजारत भी हराम है। यह चीज हमें शराब के इस हुक्म के अंदर निकल कर आती है। नाफे इब्ने कैसान पूछ रहे हैं सुभान अल्लाह क्या मैं इसे बेच दूं, एक और हदीस में तमीमदारी का भी जिक्र आता है, क्या मैं इसे बेच दूं और इसके इसकी इसकी कीमत से नफा उठाऊं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वल्लाह हर्रम अल खमर व समनहा, वल्लाह हर्रम अल खमर व समनहा, अल्लाह तबारक व तआला ने शराब भी हराम किया है और उसके पैसे भी हराम किए हैं, उसकी तिजारत भी हराम की है, सुभान अल्लाह। समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाइयों, समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे कारोबार मत कीजिए जो हराम है, और वो हराम अपने बच्चों के पेट में अल्लाह के लिए मत डलवाइए, दुआएं कबूल नहीं होती हैं, दुआएं कबूल नहीं होती हैं। सही बुखारी में एक हदीस इस तरीके से आती है, जो बड़ी बेहतरीन सी हदीस है, अनस قال كنت, जो मैंने कहा आपके सामने वो इस तरीके से हदीस के अंदर पेश कर दिया गया है, बुखारी 2460 पर 4। मैं हदीस पढ़ूंगा, उसके बाद आप भाइयों से मैं एक सवाल भी मैं करना चाहूंगा, हर उस भाई से जो नशे के आदि हैं, हर उस भाई से जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, अल्लाह उनको ये क्लिप दिखाए, वो देखें, अमल करें। माँ बाप परेशान हैं, एडिक्ट हो चुके हैं नशे के, अल्लाह तबारक व तआला उसे नशे को दूर फरमाए। कहते हैं अनस इब्ने मालिक कुन तो साकी अल मदीना यौम हुर्रिमतिल खमर, मैं साकी था मदीने में, सुभान अल्लाह, साकी अल कौम, लोगों को मैं शराब डाल डाल के पिला रहा था, जिस दिन शराब, छोटे बच्चे थे ये, फी बैति अबी तलहा, अबू तलहा के घर में, वमा शराबुहुम इल्ला फदीह, और शराब क्या थी उनकी उस जमाने के अंदर, तमर, खजूर, खजूर से बनाई जाती थी। फैदा नादा मुनादिन फिसिका किल मदीना, एक पुकारने वाले ने कहा काला उखरुज, तो हजरत अबू तलहा ने मुझसे कहा बाहर जाकर देखिए फंदुर क्या है। फैदन मुनादी युनादिन, एक पुकारने वाले सहाबी पुकार रहे हैं अरा इन्नल खमरा कद हुर्रिमत, क्या पुकार रहे हैं वो, इन्नल खमरा कद हुर्रिमत, फखरजत फिसिका किल मदीना फकौल, और मैं बाहर निकल करके देखा क्या है, तो मुझे पता चला हराम हो चुकी है। फकौल अली अबू तलहा, तो मुझसे अबू तलहा ने कहा, यह लफ्ज है बुखारी का, सुभान अल्लाह, जो हाथ में प्याला है जो मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे सामने कहा, अख उखरुज फअहरिखा, बाहर निकल कर इसको उसको सड़ दो, इसको फेंक दो, इस शराब को। वही सहाबा में और हम में वही फर्क है, हम कहते हैं गुना कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे, अभी तो मैं जवान हूं, मैं कुछ दिनों के बाद छोड़ूंगा, 40 साल के बाद छोड़ूंगा, 50 साल के बाद छोड़ूंगा। मेरे भाई नहीं, सहाबा इकराम को जिस वक्त हुक्म मिला, ये घूंट भी अंदर नहीं पिए तभी गुना छूटेगा,
तभी गुना छूटेगा। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शराब के ताल्लुक से एक हदीस बहुत अच्छी हदीस है, उम्मुल खबाइस इसे कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों में हर भाई को, मुसलमान ही नहीं, हर भाई को अल्लाह तबारक व तआला नशे की आदत से बचाए, हर भाई को अल्लाह तबारक व तआला शराब से बचाए, खानदान बर्बाद हो जाते हैं। एक हदीस सुन लीजिएगा, फिर बात आगे लेकर जाते हैं। मुख्तसर तफसीर ही है, कोई अहम चीज होती है तो जरा उसके अंदर मैं कुछ अहादीस आपके सामने पेश कर देता हूं। अन इब्न उमर قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر कहते हैं अल्लाह के रसूल صلى الله عليه وسلم ने फरमाया لعنت الخمر على عشرة وجوه, 10 वजह की बुनियाद पर शराब हराम की गई है। 10 लोगों पर लानत है शराब में। कितने पर? 10 लोगों पर लानत है। لعنت الخمر بعينها, बजात खुद शराब पर लानत है। अल्लाह अकबर, बजात खुद शराब पर लानत है। अल्लाह अकबर। व शारिबिहा, दूसरा उसके पीने वाले पर लानत है। वह साकीहा, तीसरा पिलाने वाले पर लानत है, वेटर जिसको हम कहते हैं। चौथा वह बाईहा, उसे बेचने वाले पर लानत है। पांचवा वह मुफ्ताईहा, जिसके लिए वो लेकर जा रहे हैं, सुबहान अल्लाह, ऑर्डर जिसका होता है उस पर लानत है। अल्लाह अकबर। उसके बाद वह आसिरिहा, फिर शराब बनाने वाली कंपनी, उस पर अल्लाह की लानत है। वह मुअतसिरा, जिसके आर्डर पे वो बनाया जाता है उस पर लानत है। वह हामिलुहा, उसको लाद कर लोड करके ले जाने वाले पे लानत है, और जिसके लिए ले जाया जा रहा है उस पर लानत है। और आखिर में वह आकिलु समनिहा, उसके पैसे खाने वाले, शराब के पैसे खाने वाले जो लोग हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। 10 लोगों पर शराब में लानत बरसाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम उम्मत को इस खबीस चीज से अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।